हेलो फ्रेंड्स, प्रभा मेकओवर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डैमेज हेयर के लिए एक मास्क बताने जा रही हूँ जो आप घर पर इजीली बना सकते हैं। कैसे उसको बनाएंगे और किस तरीके से उसको बनाएंगे कि पार्लर जैसा रिजल्ट आपको घर में मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, पार्लर से रिलेटेड कोई भी काम सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं जिससे आपको अगली अपडेट सबसे पहले मिले। हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल आफ्टर स्ट्रेटनिंग, हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल आफ्टर स्मूथनिंग, हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल ऑन केमिकली ट्रीटेड हेयर्स, स्ट्रेटनिंग के बाद बाल झड़ने को हम कैसे रोकें और रिबॉन्डिंग के बाद बाल झड़ने की देखरेख हम कैसे करें, झड़ते बालों को हम कैसे रोकें, हाउ टू ग्रो हेयर फास्टर, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेयर आफ्टर रिबॉन्डिंग। अगर आप इन सब का उपाय करना चाहते हैं तो उसके लिए पार्लर में मोस्टली यूज़ करते हैं एंजो ट्रीटमेंट मास्क। ये हेयर ट्रीटमेंट है और इजीली पार्लर में यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग इसको स्पा में भी यूज़ करते हैं, बट ये मास्क है बहुत अच्छा और हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनके भी डैमेज हेयर हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो मोस्टली हम लोग इसको लगा देते हैं और स्टीम देते हैं, देन वॉश कर देते हैं। 32 साल से मैं पार्लर चला रही हूँ, यहाँ पर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर इसमें हम कुछ चीज़ें इसके साथ मर्ज कर दें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आइए मैं बताती हूँ आपको हम इसको कैसे तैयार करेंगे और कैसे अपने बालों पर अप्लाई करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं इसका मास्क तैयार करती हूँ। इसमें हम एक डैमेज हेयर के लिए हम इसको 4 चम्मच लेंगे। शोल्डर लेंथ तक के लिए इतना मटेरियल काफ़ी है इसका। और इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें 2 चम्मच दही का इस्तेमाल करेंगे। और हम इसमें अंडा यूज़ करेंगे। अंडा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है, हमारे फंगल इन्फेक्शन भी ख़त्म होता है इससे, और हमारे बालों में जो 2 मुए बाल होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं, और हमारे बालों में डैमेज बिल्कुल शाइन नहीं होती, डल होते हैं बिल्कुल भी, उनमें जान नहीं होती। उसके लिए भी हम एग बहुत अच्छा होता है हेयर्स के लिए। तो हम इसमें 1 एग का इस्तेमाल करेंगे। हम एग के दोनों पार्ट्स को यूज़ करेंगे इसमें। हम इसको मिक्स करेंगे। हमारा ये मास्क तैयार हो गया है। जैसे हम पार्लर में स्पा कराते हैं तो उस स्पा को करने का एक प्रोसीजर होता है, वही प्रोसीजर मैं आपको सिखाऊंगी कि हम इसको किस तरीके से अपने बालों पर अप्लाई करेंगे जिससे हमारे 2 मुए बाल ख़त्म होंगे, हमारे डैमेज हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे और बालों में स्ट्रेंथ आएगी। जिन बालों में बिल्कुल जान नहीं होती उन बालों में स्ट्रेंथ आएगी, प्लस हमारा हेयर फॉल इमीजिएटली कंट्रोल होगा। आपकी 2 से 3 सिटिंग के अंदर आपका हेयर फॉल 90% कंट्रोल होगा। तो आप अपने पार्लर में भी एज ए ट्रीटमेंट इसको यूज़ करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आइए मैं आपको इसको एप्लीकेशन कैसे करते हैं हेयर्स पर मैं आपको बताती हूँ। अपने हेयर को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। हमने 4 सेक्शन निकाले हैं। सेक्शन क्लिप की मदद से हम पीछे के बालों को अलग करेंगे। दोनों साइड से सेक्शन हमारा क्लियर होना चाहिए, आप देखिए इसी तरीके से। अब हम मास्क को लगाएंगे। दोनों हाथों की दोनों फिंगर के बीच में हम इसको हेयर्स को पकड़ेंगे और जिस तरह से हम स्पा टेक्निक से करते हैं उसी टेक्निक से सेम हम अपने इसको अप्लाई करेंगे। मास्क को फिंगर से नीचे की तरफ से रब करेंगे ताकि हमारे डैमेज हेयर भी निकल जाएं। 2 मुए बालों में बहुत रिलीफ मिलता है इस मास्क से। तो अब आप ध्यान से देखिए कि मैं अपने हेयर्स पर कैसे अप्लाई करती हूँ इस मास्क को। क्या आप लोगों को पता है हम स्पा इसी टेक्निक से क्यों करते हैं? हम स्पा में हमेशा 2 फिंगर से इसी टेक्निक से हेयर मास्क, हेयर पैक या स्पा हम इसलिए क्यों लगाते हैं? हम इसीलिए लगाते हैं इसको ताकि हमारे 2 मुए बाल बहुत इजीली रिमूव हो जाएं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है और आपको मैंने इसीलिए ये सब करके दिखाया है ताकि आप इजीली इसको घर में भी कर सकें, आपके 2 मुए बाल
आराम से निकल जाएंगे इस टेक्निक से। कई बार ऐसा होता है हम लोगों ने रिबॉन्डिंग कराई है या किसी की है और बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ हो गया, रिपीट करते जाते हैं एक के बाद एक, तो 4 से 5 बार हमारी रिबॉन्डिंग हो गई है तो बाल बिल्कुल डल हो जाता है। हमने हाथ लगाया, बाल हमारा हाथ में टूट कर हमारे हाथ में आ जाता है, या हम कॉम करते हैं तो बार बार हमारे बाल गिरते हैं। तो ऐसे बालों के लिए इस तरह का मास्क बहुत अच्छा है, ये बहुत जल्दी बालों को रिपेयर करता है और बहुत कॉस्टली भी नहीं पड़ता। हम इजीली आराम से घर पर आसानी से कर सकते हैं। हेयर स्पा केमिकल बेस्ड होता है तो हम मंथ में एक बार पार्लर में करा सकते हैं उसको, लेकिन हम बार बार इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप ये वाला मास्क यूज़ कीजिए, आप इजीली उसको घर में कर पाएंगे और आपके बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो आप इसको एज ए स्पा भी अपने पार्लर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट, मतलब अगर हमारा स्पा का रिज़ल्ट 10% या 20% या 40% हमारे पार्लर्स में आता है और हमारे क्लाइंट बोलते हैं कि हमें इतना रिज़ल्ट नहीं मिला, तो लेकिन अगर आप इस तरीके से उसको बालों में ये स्पा देंगे तो एक तो उसके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे और दूसरा उसका रिज़ल्ट आपको 90% मिलेगा। तो दिन पर दिन, वीक में एक बार आप इसको कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं कि आप कम से कम 15 डेज में तो एक बार इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। पार्लर से रिलेटेड कोई भी काम सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें। जैसे ही इस पर 1000 लाइक से ऊपर हो जाएंगे तो हम अपने लक्की पर्सन को चूज़ करके उसको अपने पार्लर में 500 रुपये तक की सर्विस फ्री देंगे। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप इसके अलावा भी कोई भी काम अगर सीखना चाहते हैं और तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना कर दूंगी। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और बहुत यूज़फुल है आपके, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको नई नई वीडियोज़ बना कर देती रहूँगी और आपको नई नई टेक्निक जो हम पार्लर्स में यूज़ करते हैं वो भी आपको बताती रहूँगी।
हेलो फ्रेंड्स, पार्लर से रिलेटेड कोई भी काम सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको अगली अपडेट सबसे पहले मिले।